अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट पेस्टिसाइड्स का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर में आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, इसमें हमारे पास आता है कैशियर बैंक का ग्रुप, पेएबल अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, परचेज, सेल और एक्सपेंसेस। यानी कि पेएबल अकाउंट हमारे सप्लायर्स और रिसीवेबल अकाउंट में हमारे कस्टमर सारे ऐड होंगे। इन्हीं ग्रुपिंग्स को यूज करते हुए हम मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे अगर 04 है तो वो पेबल है, उसमें 001 फर्स्ट पार्टी बनेगी, जैसे इसमें पार्टी बनी हुई है नवीत। नेक्स्ट 04002 करने पे हम जो भी पार्टी नेम होगा वो नेम डालेंगे, जैसे उस्मान है, एंग्रो है, नया सवेरा है, जो भी आपकी पार्टी नेम है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसका एड्रेस लिखेंगे, वो कहाँ की है, इंटर करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे उसका, और उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पार्टी का, अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट और अगर देने हैं तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने इसका क्रेडिट बैलेंस लिखा कि हमने इसका 2 लाख देना है और सेव कर दिया। इसी जगह पे अगर कस्टमर की बात करें तो 05001 पे हमारा पहला कस्टमर बनेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 1 और 2 पे 2 काउंटर्स बने हुए हैं, तो 05003 के ऊपर हमारा कस्टमर ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऐड किया 05003, और जो भी कस्टमर नेम है वो कस्टमर नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख के, जो भी उसकी तरफ हमारा प्रीवियस बैलेंस लेने वाला है वो डेबिट में लिख के सेव करेंगे। तीसरा, अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो 01001 से हमारा बैंक स्टार्ट होगा, और बैंक जो भी बैंक नेम है, एमसीबी बैंक है, अलग बैंक है, वो बैंक यहाँ पे ऐड करेंगे और उसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट में सेव करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस भी इसी जगह पे 98001 से स्टार्ट होंगे, जैसे 11 एक्सपेंसेस बने हुए हैं तो 98012 पे हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस बन जाएगा, जैसे कि फूड एक्सपेंस है, इसको यहाँ पे इंटर करके सेव कर देंगे। तो मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर ही हमारे सारे अकाउंट्स बनेंगे। रिटर्न बैक करने पर फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे और लेजर में जाके जब हम इंटर करेंगे तो सारे अकाउंट्स हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर यासीन का लेजर खोलेंगे तो यासीन का लेजर यहाँ पे हमने खोला, इसका हमारे पास डेबिट में बैलेंस आ रहा है कि हमने इससे 50,000 लेना है। इस तरीके से अगर हम सप्लायर की एग्जांपल लें तो नया सवेरा कंपनी थी, उसका हमने लेजर खोला, उससे हमने 2 लाख देना है, क्रेडिट में आ रहा है हमारा। और अगर हम ओवरऑल बैलेंस देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारे पास बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, ये हमारा पेबल है जिसका हमने 2 लाख देने हैं, ये हमारा रिसीवेबल है यासीन जिससे हमने 50,000 लेना है। अब इसी की एग्जांपल अगर लें कि हमने रिसीविंग कैसे करनी है और पेमेंट कैसे करनी है, कैश के थ्रू और बैंक के थ्रू, तो उसके लिए सबसे पहले हम कैश रिसिप्ट ओके करेंगे, इंटर करके यहाँ पे कस्टमर का नेम देंगे, जैसे यासीन था तो यासीन से हमने 50,000 लेना था, हमने उससे फॉर एग्जांपल 30,000 कैश ले लिया, तो यहाँ पे कैश रिसीव पहुँचे कर देंगे। रिसीविंग होने पे सेव पे यहाँ पे एंट्री 2 जगह पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, एक तो यासीन के लेजर के अंदर जिससे हमने 50,000 लेना था उसे हमने 30 ले लिया, उसके पास रिमेनिंग 20,000 हमारा लेने वाला रह गया है, जो 30 हमने लिया है वो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक में जमा हो जाएगा। तो कैश बुक में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 0, इसमें भी हम अपने पहले ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लेंगे, जो भी हम जिस दिन से स्टार्ट करेंगे उस दिन का बैलेंस आ जाएगा। फर्दर जो हमारे पास रिसीविंग हुई है वो 30,000 की हुई है, तो 30,000 रिकवरी होगी और टोटल बैलेंस भी हमारा 30,000 पड़ा है। इसमें से जो हम पेमेंट देंगे वो कैश पेमेंट वाउचर से होगा, इंटर करके यहाँ पे हम उस कंपनी का नेम देंगे, जैसे कि नया सवेरा थी, नया सवेरा को यहाँ पे मैंने पेमेंट दे दी कि हमने इनको 20 लाख देना, 2 लाख देना था, हमने इसको फिलहाल 20,000 एज अ कैश दे दिया और सेव कर दिया। इसके अलावा अगर खर्चा वगैरह भी हमने किया है तो वो इसी जगह पे हम पेमेंट वाउचर से करेंगे। फूड एक्सपेंस यानी कि हम कर रहे हैं तो 1,000 रुपये हमने फूड एक्सपेंस कर दिया, और लंच का या टी का जो भी हमने दिया होगा उसका रेफरेंस देकर सेव कर देंगे। तो ये पैसे ऑटोमेटिकली कैश बुक में से आउट हो जाएंगे। तो 20,000 हमने पेमेंट दे दी, रिमेनिंग 10,000 बचा था, 1,000 खाने में खर्च हो गया, तो हमारा रिमेनिंग कैश में 9,000 बच गया है। तो ये जो इन पेमेंट्स हमने की हैं वो ऑटोमेटिकली उन पार्टीज के लेजर में भी ऐड हो गई। तो नया सवेरा का लेजर देख लें, 2 लाख हमने देना था, 20 हमने दे दिया है, इसका रिमेनिंग हमारे पास
1,80,000 रह गया है। इसके बाद अगर हम कैश की वोचर्स के बाद तीसरे वोचर की बात करें तो वो होता है बैंक वोचर, यानी कि अगर हम बैंक के थ्रू कोई पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसमें DRCR वोचर यूज़ होगा। उसमें डेबिट हमेशा वो अकाउंट होगा जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, जैसे कि अगर नया सवेरा को पेमेंट दे रहे हैं तो नया सवेरा डेबिट और क्रेडिट हमारा MCB बैंक। बैंक में से हमने उसको अगर 1 लाख पेमेंट कर दी है तो हम यहाँ से 1 लाख ऑनलाइन या बाई चेक उसको दे देंगे, सेव कर देंगे। अगर यही एंट्री हमें कस्टमर करता तो फिर हमारा MCB बैंक ऊपर आ जाना था और जो हमारा कस्टमर होना था यासीन वो नीचे आ जाना था। तो यासीन के पैसे माइनस होके बैंक में जमा हो जाने थे। TR कोड हमेशा वो पार्टी जिसमें पैसे जमा होने हैं। तो जो पेमेंट हमने अभी नया सवेरा को की है 1 लाख की, वो नया सवेरा के लेजर के अंदर जमा हो गई है 1 लाख, और उसका सिर्फ हमने 80,000 देना है। जो हमने पेमेंट दी है वो हमने कैश बुक से नहीं दी, तो अगर हम कैश बुक देखेंगे भी तो कैश बुक में वही 9,000 हमारा खड़ा है। पेमेंट हमने दी थी बैंक से, तो लेजर भी हम किसका देखेंगे, MCB बैंक का। तो बैंक में हमारा 5 लाख था, हमने 1 लाख ऑनलाइन दे दिया नया सवेरा को, 4 लाख हमारा इसमें रिमेनिंग रह गया है। इसी तरीके से ये वॉचेस के बाद अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो कंपनी प्रोफाइल आती है, कैटेगरी प्रोफाइल आती है और आइटम प्रोफाइल आती है। कंपनी में सबसे पहले अगर हम फुल व्यू करते हैं तो ये AG फार्मा, एग्रो फार्मा, टारजन, ये डिफरेंट कंपनीज हमारे पास, FC, FM, FEP, ये सारी कंपनीज ऐड हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जो इसमें ऐड नहीं है तो उसको यहाँ पे हम ऐड करके सेव कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्रो कंपनी की एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको कंपनी सेव कर रहा हूँ। उसके बाद टाइप आ जाती है मास्टर कैटेगरी में, कि हमारे पास किस किस टाइप की चीज़ हो सकती है। वो इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, सीड है, खाद है, स्प्रे है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे हम कैटेगरी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे यहाँ से कोड आएगा, नेम दे के सेव कर देंगे। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो है आइटम प्रोफाइल। एग्जैक्ट जो आइटम हमारी परचेज या सेल होनी है वो यहाँ पर ऐड होगी। उसके लिए जब हम ऐड करेंगे तो 218 आइटम्स ऑलरेडी ऐड हैं, 19 नंबर कोड हमारे पास आ गया है। इंटर करने पे हम कैटेगरी बताएंगे कि हम किस टाइप की चीज़ बना रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे सीड ले लेता हूँ, इंटर किया, यहाँ पे हमने दिया कि फॉर एग्जांपल कॉर्न सीड है, पोटैटो सीड है, जो भी प्रोडक्ट है उसका सीड लिखें, पैकिंग लिखें कि 20 kg वाला बैग है, 10 kg वाला बैग है, जो भी उसकी पैकिंग है वो लिखें। आगे यहाँ पे यूनिट में बैग लिखते हैं, सेल रेट में लिखते हैं कि हम वो कितने में सेल करते हैं, और परचेज रेट में लिखें, कॉस्ट रेट में, कि हमें वो कितने में होता है। हमारे पास 10 बैग मिनिमम होने चाहिए। एक्सपायरी डेट अगर देनी है तो वो भी दे सकते हैं, अगर उसको छोड़ देंगे तो इंटर इंटर करके नीचे आके कंपनी में हम कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे एंग्रो है, और इंटर इंटर करके जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे पड़ा होगा वो यहाँ पे हम 20 या 30 जो भी हमारा स्टॉक होगा वो सेव कर देंगे। ये ओपनिंग में हमारा स्टॉक चला जाएगा, यानी कि बैग्स में हमारे पास ये वाले कौन से के 20 बैग स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में आ गए हैं। तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड की रिपोर्ट खोलेंगे तो एंग्रो कंपनी में सीड कैटेगरी में ये सीड के 20 बैग हमारे पास 80,000 की वैल्यू के यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरीके से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम पहले ऐड करेंगे, साथ में उनका ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। जैसे इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स यहाँ पे ऐड हैं, उनके साथ उर्दू नेम भी लिख सकते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स जब इसमें ऐड हो जाएंगी विद स्टॉक तो यहाँ पे ये स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में शो हो जाएगा। अगर हमारे पास किसी आइटम का स्टॉक नहीं है, जस्ट उसकी आइटम ऐड कर लें, बाद में उसको ऐड रिकॉर्ड में आके परचेज इनवॉइस में से आप परचेज कर सकते हैं। ऑटो बिल बनेगा, पार्टी बिल नंबर, जो पार्टी के साइड से इनवॉइस आई होगी वो आ जाएगा, और जिस पार्टी से भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो पार्टी का नेम ले लेंगे। यहाँ पे फिर आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे एग्रो SOP 25 kg है, उसका हम देखेंगे 20 बैग लिए हैं हमें, ये फॉर एग्जाम्पल 5,000 की आई है, 1 लाख की बनी, उस पर जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो अगर नहीं है तो 0 रहने देंगे। कोई इस पे रेट वगैरह सेल टैक्स या फर्दर टैक्स जो भी ऐड करना है वो ऐड करके इसको सेव कर देंगे। मॉनिटरी करके अगर कोई और चीज़ भी खरीद रहे हैं तो वो ये भी खरीद लेंगे, जैसे ये 1 लीटर की हमारे पास ये पैकिंग है प्रोडक्ट की, 100 यूनिट ये लिया है, ये 300 के रेट में आया है, और ये हम यहाँ पे भी इसको भी सेव कर देंगे।
130,000 की जो हमने परचेजिंग की है ये ऑटोमेटिकली नेहा सवेरा के लेजर में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर नेहा सवेरा का लेजर लिया, उसमें हमने प्रीवियसली इस पार्टी का 80,000 देना था, 130,000 की जो परचेजिंग की है वो इस 80,000 में ऐड होके अब 210,000 हमने इसका देना है। जो परचेजिंग की है वो ऑटोमेटिकली परचेज रिपोर्ट में आ जाएगी। डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर सप्लायर वाइज रिपोर्ट लेता हूँ तो ये आज के दिन की रिपोर्ट दिखा देगा कि हमने ओपनिंग में अपना स्टॉक जो डाला था वो 20 बैगों का डाला था, जो हमने नया सवेरा से खरीदा है वो ये दो चीज़ें खरीदी हैं, 1,30,000 की, यानी कि टोटल 210,000 का स्टॉक ऐड किया है। और वही 210,000 का स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में भी हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 210,000 का स्टॉक आ गया कि हमने एंग्रो में सीड पड़ा है। एफ ई पी में हमारे पास ये आर्टिजन जो प्रोडक्ट है वो पड़ी है, और ये एग्रो SOP 25 kg वाला भी एग्रो मार्क कंपनी में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टॉक में शो हो रही हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर हम फर्दर सेल करने जाएं तो उसके लिए दो हमारे पास सेल्स होती हैं, एक होलसेल इनवॉइस और एक काउंटर सेल्स। दो काउंटर्स हैं इस, और ये होलसेल के लिए होती है। दूसरी होलसेल हम यानी कि क्रेडिट सेल जो होती है वो काउंटर 2 से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों इंक्रीज करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कोई उधार पार्टी लेती है तो पहले उस पार्टी का अकाउंट बनाएंगे और फिर हम उसका यहाँ पे आके एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर बनाया था यासिन के यहाँ पे, तो यासिन कस्टमर था, उसको हमने यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट की, ये वाली Agro 25 kg वाली, और हमने इसको यहाँ पे बताया कि हमने इसके 10 यूनिट सेल किए हैं। तो ये हमारा किस रेट में जा रहा है वो रेट यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5,000 में लिया था, हम उसको 6 में बेच रहे हैं, तो ये टोटल 60,000 का बना और इंटेंट करके सेव कर दिया। ठीक है, तो ये इनवॉइस प्रिंट करने पे ये बड़ी इनवॉइस दिखा देगा, और अगर थर्मल करेंगे तो थर्मल में छोटी इनवॉइस भी आ जाएगी। उसमें सारी डिटेल आ गई कि 60,000 का बिल था, प्रीवियस उसका 20,000 लेने वाला था, तो बिल का जो 60 है वो +20 टोटल उसका 80,000 अब हमने उससे लेना है। तो इसके अलावा रिटर्न बैक करने पे अगर हम काउंटर सेल की बात करें तो काउंटर सेल होती है वॉकिंग कस्टमर के लिए जो कैश पे सेल करते हैं जिनको हम, तो यहाँ पे काउंटर सेल आई, वहाँ पर भी हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अब ये दूसरी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इसके मैंने यहाँ पे 5 यूनिट सेल किए, ये फॉर एग्जांपल मुझे 800 का रेट मैं इसको सेल में दे देता हूँ, तो ये 4,000 के बने। डिस्काउंट देना चाहें तो परसेंटेज में या फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे टोटल डिस्काउंट में दे के भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास 4,000 का बिल बन गया। मॉनिटरी की, इसमें जो हमने सीड डाला था हम सीड भी सेल कर सकते हैं, तो सीड भी एक सेल कर दिया और ये टोटल 9,000 का बिल हो गया। इंग्लिश बिल करेंगे तो ये इंग्लिश बिल में प्रिंट हो जाएगा, अगर उर्दू करेंगे तो उर्दू में बिल प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न बैक करके यहाँ पे हम यूटिलिटी में काउंटर सेल ट्रांसफर करेंगे, और यस करने पे मैसेज आएगा ओके योर डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम। तो ये जो हमारे पास स्टॉक है ये अब ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर से भी हमारा माइनस हो चुका है। तो यहाँ पे आके जब हमने स्टॉक देखा तो ये भी हमारे पास स्टॉक माइनस हो गया है, और बैग भी हमारे पास यहाँ पे माइनस हो गए हैं, ये भी हमारे पास माइनस हो के कम हो गए हैं। जो चीज़ें कम हुई हैं यानी कि जो सेल हुई हैं वो डेली सेल रिपोर्ट, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, इन सब रिपोर्ट्स में उनका डाटा आ चुका है। तो हम डेली सेल रिपोर्ट खोल लेते हैं, और यहाँ पे इंटर इंटर करके जब ओके करेंगे तो ये दिखा रहा है कि हमने काउंटर पे और यासिन को जो सेल्स की हैं वो ये थी। टोटल 69,000 की सेल हुई थी आज की। अगर हम इसी को प्रॉफिट एंड लॉस वाइज देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी ये हमें दिखा देगा कि हमने इसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स हैं ये सेल हुई हैं, इन पे हमारा 10,000 प्रॉफिट हुआ, इस पे 2,500, इस पे 1,000, टोटल 13,500 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1,000 हमने लंच का जो खर्चा गया था वो निकाल के आज के दिन में 12,500 का नेट प्रॉफिट हमें हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास परचेजिंग भी हो गई, सेल्स भी हो गई, काउंटर 1 और काउंटर 2 भी हैं, दो काउंटर्स पे सेल्स कर सकते हैं। कोई एस्टिमेट बिल बनाना हो, किसी को फर्जी बिल बना के दिखाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेम्परेरी बिल बना के उनको रेट वगैरह बता सकते हैं। और इसी तरीके से परचेज की अगर रिटर्न है तो हम सप्लायर को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे सप्लायर का नेम देंगे, आइटम का नेम देंगे, और क्वांटिटी और रेट दे के सेव कर देंगे। ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट में से माइनस हो जाएगा स्टॉक, और सप्लायर के लेजर में पैसे एडजस्ट हो जाएंगे।
दूसरे हमारे पास यहाँ पे एडिटिंग आ जाती है, परचेज की, सेल की, वाउचर्स की। परचेज हमारे पास मैनुअल ऑर्डर आ जाता है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है, और इसके अलावा लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, फाइल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। परचेज की सारी रिपोर्ट्स हैं, डेली सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, कॉस्टिंग वाइज। सेल्स की रिपोर्ट्स हैं डेली, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज। अगर आइटम वाइज भी हम खोलें तो इसके अंदर भी ये देखें, समरी वाइज, कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज, फास्ट एंड स्लो, कस्टमर वाइज, ये सब रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। तो इनके अंदर भी हमारा सारा डाटा आ जाता है। इस तरीके से स्टॉक रिपोर्ट है, जिसमें स्टॉक रिपोर्ट, आइटम लेजर है, स्टॉक इन हैंड है, ओपनिंग सेल रिसिप्ट रिपोर्ट है, डिमांड रिपोर्ट है, स्टॉक लाइक कंपनी रिपोर्ट है, ये सब स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं। तो ये सब हमारे पास इसमें डिटेल आ जाती है। इसके अलावा यूज़र राइट्स हैं और बैकअप के ऑप्शन हैं, तो यहाँ से हम इसका बैकअप भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।